ओछी हरकत है, क्या सोच है एक राज्य के मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब रखने वाला व्यक्ति। अब तो मैं तो कहता हूं कि राज्य के मुख्यमंत्री इसकी जांच कराएं कि अब तक उप मुख्यमंत्री के बंगले पर कितना खर्च हुआ और उसमें कौन कौन सामान अब बचा है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को भारतीय जनता पार्टी और उनके विरोधी टूटी चोर कहकर हमेशा चिढ़ाते रहते हैं। अखिलेश पर आरोप है कि उन्होंने सीएम हाउस खाली करते वक्त मुख्यमंत्री निवास से टूटियां तक निकाल ली थी। अब यही आरोप तेजस्वी यादव पर भी लगा है। दरअसल बिहार के डिप्टी सीएम रहते वक्त जो सरकारी बंगला तेजस्वी यादव को मिला था, उसे खाली करने के वक्त तेजस्वी यहां का सामान भी साथ लेकर चले गए हैं। ये आरोप बीजेपी ने लगाया है। बिहार बीजेपी मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल ने तेजस्वी यादव पर ये गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि आरजेडी नेता ने जब 5 देशरत्न मार्ग आवास खाली किया तो वे अपने साथ सरकारी आवास का बेड, एसी और बेसिन तक निकाल कर ले गए थे। बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव ने सरकारी आवास के जिम का सामान भी गायब कर दिया है, बैडमिंटन कोर्ट का फ्लोर तक निकाल लिया है। यही नहीं, वॉशरूम के नल की टूटियां भी गायब होने का आरोप लगाया गया है। बीजेपी ने कहा कि वो जल्द ही भवन निर्माण विभाग की तरफ से दी गई सामानों की लिस्ट जारी करेंगे। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही तेजस्वी यादव ने इस आवास को खाली किया है। अब यह आवास मौजूदा डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को आवंटित किया गया है। इस मामले पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी तेजस्वी पर सवाल उठा दिए हैं। देखिए, मैंने देखा, मुझे बहुत बुरा लगा। ये ओछी हरकत है। ये बताता है कि क्या सोच है एक राज्य के मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब रखने वाला व्यक्ति। अब तो मैं तो कहता हूं कि राज्य के मुख्यमंत्री इसकी जांच कराएं कि अब तक उप मुख्यमंत्री के बंगले पर कितना खर्च हुआ और उसमें कौन कौन सामान अब बचा है, और जांच भी कराएं, FIR भी कराएं। दरअसल बिहार में आने वाले साल में विधानसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में सोमवार को ही लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को दिल्ली के राव जेवेनी कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने इस मामले में लालू यादव, उनके बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप को जमानत दे दी है। आरोपियों को जमानत देते वक्त कोर्ट ने कहा कि उन्हें बिना गिरफ्तार के ही आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया, इसलिए अदालत सभी को 1-1 लाख के निजी मुचलके पर जमानत देती है। सुनवाई के दौरान ईडी ने अदालत से कहा कि राबड़ी देवी, हेमा यादव और मीसा यादव को जमानत देने के पिछले आदेश की तरह ही डायरेक्शन दिए जा सकते हैं। इसके बाद अदालत ने सभी आरोपियों को अपने पासपोर्ट अदालत में जमा करने का निर्देश दिया। अब इस मामले में अगली सुनवाई 25 अक्टूबर को होगी। इस बीच बीजेपी के इस नए धमाके ने लालू परिवार की नींद उड़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।